खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 1 सितंबर 2023 से ही 5 राशियों की किस्मत सूर्य की भांति चमकने जारी है। आपको बता दे दोस्तों कि सितंबर के महीने में 5 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है और नक्षत्रों का परिवर्तन बन रहा है। इस शुभ संयोग के कारण 300 साल बाद 5 राशियां ऐसी है जिनके लिए सितंबर का पूरा ही महीना एकदम से लकी रहने जा रहा है। सितंबर के महीने में उनका भाग्य उदय होगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा और साथ ही 5 राशि वाले लोगों को अचानक धन प्राप्ति का योग भी बनेगा और जो कुंवारे हैं उनके लिए विवाह का योग बनने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सितंबर के महीने की कौन कौन सी ऐसी 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत 7वें आसमान पर पहुंचने जा रही है, उनके परेशानियों के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए सितंबर के महीने में सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों मकर राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का महीना आपके जॉब और प्रोफेशन दोनों में ही बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आपके लिए नई राहों के दरवाजे खुलेंगे और आप वर्क प्लेस पर यानी कि जहां कहीं भी जो कोई भी काम करते हैं ना वहां पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिनकी भी मकर राशि है उनकी इनकम बढ़ेगी, धन प्राप्ति के नए नए माध्यम आपके लिए खुलेंगे और सितंबर के महीने में सूर्य देव और मंगल देव दोनों ही एक साथ एक ही भाव में युति बनाएंगे जिससे मकर राशि वाले लोगों का भाग्य एकदम से चमकेगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। अच्छा, जो विद्यार्थी है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल बन रहा है और आपकी पढ़ाई के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। कोई भी अच्छी परीक्षा में आप क्लियर हो पाएंगे और आपकी रुचि धर्म और कर्म के कार्य में बढ़ेगी। जो स्वयं का व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं, उनके लिए इस साल प्रॉफिट बढ़ेगा, धन का लाभ होगा ही और साथ ही आप काफी अच्छी बचत भी कर पाएंगे जिससे दिसंबर तक आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब करते हैं उनके लिए भी सितंबर का महीना अच्छा बनने जा रहा है। आपका प्रमोशन होगा, कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको मिल सकता है और वहीं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना तो करियर के लिहाज से भी यह समय आपके लिए 7वें आसमान पर रहने जा रहा है। और वहीं जो कुंवारे हैं सिंगल है उनका सितंबर और अक्टूबर 2 महीनों के दौरान मकर राशि वाले लोगों का विवाह का योग बन सकता है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, भगवान शनिदेव की स्थिति आपके लिए अच्छी और शुभ बनेगी। चलिए जान लेते हैं दूसरे नंबर पर जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं और वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपका भाग्य उदय कब होगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना वहाँ पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता, ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ता देख देख कर आखिर आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता
सफलता नहीं मिल पा रही है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए सितंबर महीने की अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों सितंबर महीने में ग्रहों का परिवर्तन और भगवान सूर्य देव और मंगल देव के आशीर्वाद से सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा ही महीना बहुत ही अच्छा और उत्तम रहने जा रहा है। आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप किसी नए काम में अपना हाथ आजमा सकते हैं। इस महीने बड़े लोगों से आप मिल सकते हैं जो बाद में दोस्ती में भी तब्दील हो सकती है, आपको लीडर के रूप में आगे बढ़ाने में भी मदद करेगी। और सितंबर के महीने में सिंह राशि वाले व्यक्ति जो व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको व्यापार में अच्छा धन का लाभ मिल सकता है और जिनका व्यापार विदेशों में फैला हुआ है ना उनको भी लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है और आपका सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। आपकी वाणी से दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे, जो नौकरी करते हैं उनको नौकरी में तरक्की मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा और कोई अच्छी या बड़ी नौकरी आपको मिल सकती है। जो अच्छी करियर की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी खुशियां आ रही है और जो सिंगल है कुंवारे हैं उनका विवाह का योग भी निश्चित होगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या यी और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। सूर्य और मंगल की युति से सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होगा। आपकी किस्मत सातवें आसमान पर होगी। स्टॉक मार्केट सट्टा या लॉटरी में जो भी व्यक्ति धन लगाते हैं या लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना उनको सितंबर में बड़ा लाभ मिल सकता है। इस अवधि में संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी आपको मिलेगी और इनकम में बढ़ोतरी होने के नए नए अवसर मिलेंगे। जो व्यापारी है जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी समय अच्छा और अनुकूल होगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत बनेगा। सितंबर में आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, बाकी नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की के योग बन रहे हैं। और हाँ, विद्यार्थी जो वर्ग है जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये समय किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ आपकी सुखमय होगी और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा दृष्टि बनी रहेगी। बाकी आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और बढ़ोतरी की संभावना देखी जा रही है। हालांकि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अनावश्यक क्रोध से आपको छुटकारा पाना है। बाकी आपका कर्ज से छुटकारा मिलेगा और धन प्राप्ति के नए नए माध्यम यानी कि नए नए योग खुलेंगे। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों सितंबर के महीने में धनु राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और लकी साबित होने वाला है। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल सकता है और इनकम में बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। इनकम के नए नए स्रोत भी आपको मिलेंगे। काम कारोबार के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा और उत्तम होगा। आपको धन का लाभ होगा और साथ ही व्यापार में कोई भी बड़ी और अच्छी डील भी हो सकती है। संतान की तरक्की की संभावना है और मंगल और सूर्य देव के संयोग से आपके लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, कारोबारी लोगों को धन का लाभ भी मिल सकता है और स्पेशली अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो अचानक से धन की प्राप्ति होगी और कर्ज से भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। मंगल और सूर्य देव के महासंयोग से जिन व्यक्तियों के विवाह में अगर कोई भी अड़चन आ रही थी तो वो दूर होगी और सितंबर अक्टूबर दो महीनों में दिवाली के आसपास उनका रिश्ता तय होने की संभावना बन रही है। समय आपके लिए अच्छा और उत्तम बनेगा। जो पहले से मैरिड है शादीशुदा है उनके वैवाहिक संबंधों में भी सुधार आएगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते सुधरेंगे। संतान पक्ष की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपका मन खुशियों से भरा रहेगा। चलिए अगली जो राशि बनने जा रही है ना वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मंगल और बुध की युति से सितंबर के महीने में मेष राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा होगा। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, करियर के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो लाभ मिलने के योग है और जो कुंवारे हैं अविवाहित है उनके लिए समय अनुकूल होगा। आपके लिए विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे और कोई भी नया संबंध आपके जुड़ सकता है। बाकी आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर
का की कु के को है और बड़ा गैस शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। मंगल और बुध की युति से मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा और लाभकारी होगा। कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और संतान पक्ष से कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है। जो मीडिया कर्मी है, रिसर्च में, ज्योतिष में या अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए तो ये समय उत्तम होगा। और बाकी जो लोग है ना मिथुन राशि वाले, उनको भी लगभग कार्यों में सफलता मिलेगी, आपको प्रॉफिट होगा। अचानक से धन प्राप्ति के भी प्रबल संकेत मिल रहे हैं। शेयर मार्केट, सट्टा, लोटरी आदि में भी आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले, अगर किसी को कर्ज की दिक्कत है और बहुत दिनों से पुराना कर्ज चढ़ा हुआ है तो वो भी आपके लिए धीरे धीरे चुकता होगा और कर्ज से आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए सितंबर की भाग्यशाली राशि की अपडेट जानकारी की वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों,